हे एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग मतलब स्ट्रेस ट्रेन करो। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन? तो बट टॉपिक ये है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब है कि हमने टेंशन टेस्ट के बारे में सुना होगा। टेंशन टेस्ट, अभी जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, अगर मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊं तो मतलब इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा? मतलब ये मैं सारा पढ़ दूंगी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। सो बेसिकली टेंशन टेस्ट के बारे में सुना होगा। तो टेंशन टेस्ट का हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी मटीरियल है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मटीरियल है, और इस मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो हमें पता लगती है टेंशन टेस्ट से। जब हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, तो उससे हमें इसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है मटेरियल की। मतलब ये हमारा मटेरियल है और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता लगेगा कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी इन्फॉर्मेशन, और मतलब कि मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन है, इसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पे ये फिगर है, फिगर वन। तो ये हमारे पास मटेरियल है। तो टेंशन टेस्ट में क्या होता है, जैसे ये मटेरियल है, स्पेसिमेन भी इसको हम बोल सकते हैं, एज वी नो कि साइंस में क्या होता है। तो जैसे ये स्पेसिमेन है, ठीक है, जब हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मतलब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये यूनि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएगा। तो जब इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल को जब इस डायरेक्शन में, अब ये मटेरियल है, इसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पेसिमेन इलोंगेट हो जाएगा ना, इलोंगेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो ये इलोंगेशन कब हुई, मतलब इलोंगेट मतलब कि इसका साइज कब चेंज हुआ स्पेसिमेन का, जब हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया। समझ रहे हो आप लोग कि स्ट्रेस क्या होता है, कि स्ट्रेस काइंड ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनि एक्सियल मतलब इसकी जो ये लेंथ है ये इंक्रीज हो जाती है। अब यहां भी फोर्स, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में भी, तो ये इस तरीके से चेंज होके क्या बन जाएगा, ये अभी मान लो ये इतना है, ठीक है, जब हमने यहां भी स्ट्रेस अप्लाई किया और यहां भी अप्लाई किया, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे कर्व की बात करेंगे। कर्व का क्या सिस्टम है, मतलब इस प्रोसीजर से हम कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे कि कर्व क्या होता है, मतलब कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये पढ़ रहे हैं ना हम, तो प्लस इंजीनियरिंग कि मतलब उसको हम फिजिकली, मतलब अभी हमारे पास ये अगर वर्ड है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बट अगर हम इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के उससे ले, तो मतलब हमारा क्या मोटिव है कि हम इसको फिजिकली देखें ना, मतलब फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किताबों में रट लिया, हम रियल लाइफ में चीज़ों को देखेंगे करके, मतलब बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उस पर हम इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको काफ़ी कुछ होता है, मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। तो द इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन कर्व कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम लोड इलोंगेशन मेजरमेंट, लोड इलोंगेशन मेजरमेंट। द स्ट्रेस अभी जो हमने अप्लाई कर रखा था, मतलब ये पी ये भी पी, बट हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो पी होता है वो स्ट्रेस भी होता है, इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं, मतलब साइंस में बहुत ऐसे मतलब वर्ड होते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि पी लिख दिया ये पी क्या है यहाँ पे, ये स्ट्रेस है कि हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और जो स्ट्रेस होता है उसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, पी से भी डिनोट करते हैं, और जिसे फोर्स होता है फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, और वैसे पी प्रेशर होता है, तो साइंस में ऐसे टर्म्स होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो द स्ट्रेस एस, स्ट्रेस क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस फोर्स ही होता है, मतलब स्ट्रेस लाइक फोर्स की तरह ही होता है स्ट्रेस भी, तो लोड इलोंगेशन का मतलब क्या है, कैसी होती है लोडिंग इलोंगेशन, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मतलब कि अब ये बोल रहे कि स्ट्रेस डिफाइन करो, अभी जो मैं सब पढ़ा रही हूँ वो इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन कर्व इसी टॉपिक के अंदर, ये सारा जो मैं पढ़ा रही हूँ इसी टॉपिक में है। तो स्ट्रेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, जो स्ट्रेस होता है एस, इसको हम डिनोट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और इसको हम इसी को हम जैसे जो फोर्स पर यूनिट एरिया, अब यहाँ पे हम फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे थे तभी ऐसे इलोंगेट हो रही थी ना, मतलब लोड इलोंगेशन मेजरमेंट हो रही थी ना, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया है इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो इसको हम स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो पी यहाँ पी हमारा यहाँ पे फोर्स है, और ए नोट क्या है एरिया, और ये है हमारा स्ट्रेस, ये जैसा कि मैंने इसमें भी नोट्स में भी लिखा हुआ है मेरे, एस इज इक्वल टू पी बाय ए नोट, यहाँ पे पी क्या है फोर्स अप्लाइड इन न्यूटन, मतलब जो फोर्स हम न्यूटन में अप्लाई करेंगे, और ए नोट क्या है ओरिजिनल एरिया इन मीटर स्क्वेयर, और एस है हमारा स्ट्रेस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। अब स्ट्रेस तो हमने हमारा क्लियर हो गया, अब हम बारी आती है स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेन है ना, ई हमारा स्ट्रेन है,
स्ट्रेन ई इज यूज फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज द एवरेज लीनियर स्ट्रेन विच इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द चेंज इन गोज लेंथ ऑफ स्पेसिमेन। अब स्ट्रेन का मतलब होता है कि जब हमने स्ट्रेस का यूज किया, स्ट्रेस का यूज करने के बाद जो हमारा ये स्पेसिमेन था इसकी जो लेंथ में जो चेंज आया है, मतलब जो गोज लेंथ है, ठीक है, बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है और ये हमारी मतलब पहले ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, और ये आफ्टर चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ तो डेल एल होगा और ओरिजिनल लेंथ को लगा लो एल नोट। तो स्ट्रेन क्या होता है, मतलब कि चेंज इन गोज लेंथ, तो चेंज क्या होगी, डेल एल होगी, कि हमारी जो स्पेसिमेन की जो लेंथ चेंज हुई है वो होगी डेल एल बाय एल नोट। एल नोट का मतलब क्या है कि जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी वो है एल नोट, ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में कि स्ट्रेस क्या था और स्ट्रेन क्या था, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस वही था कि मतलब जब हमारे पास कोई भी मटेरियल है उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ ऐसा फोर्स भी मैंने बताया था कि फोर्स क्या ही होता है, स्ट्रेस ही होता है। तो जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, तो जैसे ये हमारा मटेरियल है, जब मैं ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल नोट जो मैंने बताया था, ठीक है, तो जब हमने इसको इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब यहाँ और यहाँ अप्लाई किया, तो ये इस साइड इलोंगेट होगी। इलोंगेट होने के बाद मतलब अभी हमने इस मटेरियल ऐसे ले रखा है, अगर हम इसको ऐसे रख दे, मतलब अभी ये मटेरियल ऐसे है, मैंने फोटो मतलब ऐसे इसमें फोटो में ऐसे दिख रहा है, बट अगर हम इसको ऐसे कर दे और यहाँ भी अप्लाई करें और यहाँ भी, तो ये यहाँ से इलोंगेट होगा और यहाँ से इलोंगेट होगा, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रेस कि ये इलोंगेट हो गया, तो इलोंगेट होने से पहले इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट और चेंज इन लेंथ क्या होगी डेल एल। तो स्ट्रेन क्या आ गया हमारा डेल एल अपॉन एल नॉट, और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम पर यूनिट एरिया। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर ये मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो सिंपली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, मतलब पहले अगर हम कर्व जो कर्व होता है वो तभी तो बनाएंगे जब हमें कुछ बेसिक पता होगा। अगर हमें बेसिक पता चल गया तो फिर उसके बाद हम कर्व भी बना सकते हैं। तो चलो अब हम कर्व को डिफाइन करते हैं वो कैसे बनेगा। तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम यहाँ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और स्ट्रेन फिर हमारा अपने आप ही आ जाता है। पहले हमें स्ट्रेस अप्लाई करना होता है फिर स्ट्रेन हमारा आ जाता है, ठीक है। और मैंने टेंसाइल टेस्ट के बारे में भी स्टार्टिंग में बता दिया था ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये तो खराब हो जाएगा अगर इस पे चलाऊंगी, तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेसिकली है, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक है। जब हमारा जो मतलब एट द बिगनिंग ऑफ टेस्ट, स्टार्टिंग में टेंशन टेस्ट होता है, तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल एक्सटेंड इलास्टिकली, जो मटेरियल है वो इलास्टिकली एक्सटेंड होता है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या मटेरियल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा मटेरियल है, वो किस तरीके से इलोंगेट होगा या एक्सटेंड होगा या वो इलास्टिकली एक्सटेंड होगा। बात एक ही है, बात कुछ नहीं है, बस वो हमारा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम उस पता लगाएंगे कि हमारा मटेरियल किस टाइप का है, तो वो हमें मतलब टेंसाइल टेस्ट से पता लगेगा। द स्ट्रेन बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, अब ये बोल रहा है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है अभी, कि जैसे हमारे पास ये
ये बोल रहा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि जब तक हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ इलोंगेट होगी, और जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, द स्ट्रेन बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्पेसिमेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब हम स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो जो हमारा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जब जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, तो ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारा मटेरियल इलास्टिसिटी की फॉर्म में है, जब हम स्ट्रेस हटा देंगे तो वो दोबारा ओरिजिनल इस पोजीशन में आ जाएगा। जैसे हमें हमारे पास रबड़ होती है ना, अब मटेरियल हमारा अगर इलास्टिक की फॉर्म में है, अभी मेरे पास रबड़ है नहीं वरना मैं आप लोगों को करके दिखाती, जो हमारी हेयर बैंड होती है जब हम उसको ऐसे बढ़ाते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद मान लो अगर हमारी हेयर बैंड है वो इतने साइज की है, हमने उसको खींच के इतना कर दिया, तो वो दोबारा इस पोजीशन में ही आ जाएगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके के मटेरियल की यहाँ पे बात कर रहा है, बट ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ तक इसने खींचा फिर ये चीज आ जाती है, तो ये इसने बना रखा है सिग्मा वाई, ये है बी, और फिर इसने यहां से एक एंगल लिया है और ये है सी। तो ये एक पॉइंट है, ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ यहां तक है, उसके बाद इसमें फ्रैक्चर आ जाता है, तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होगी और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये पॉइंट है ए, ए बी सी। तो ये बोल रहा है कि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब हम एक लिमिट तक, मतलब लिमिट क्रॉस कर देते हैं स्ट्रेस अप्लाई करने की, इलास्टिक लिमिट, तो क्या होती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है, या फिर परमानेंट एक्सटेंशन रिमेन आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। तो ये यहाँ पे हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि कई बार हमारा मटेरियल ऐसा होता है कि या तो वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, मतलब कि या तो वो वैसे ही रहता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, शायद मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं डिफॉर्मेशन को लेके, तो मैं चेक करूंगी, अगर वहाँ होगी तो मैं अपलोड, अगर नहीं होगी तो मैं अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज डिफॉर्मेशन टॉपिक जहाँ तक मुझे याद है मैंने करवा रखा है, आप एक बार वीडियो चेक कर लेना मेरे चैनल पे, अदरवाइज मैं अपलोड कर दूंगी कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो डिफॉर्मेशन भी लाइक काइंड ऑफ ऐसे ही होता है, डिफॉर्मेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है तो उस वीडियो में मिलेगा, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, वहाँ देखना। और ये कह रहा है कि या फिर वो परमानेंट एक्सपेंड, या फिर परमानेंटली ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, और डिफॉर्मेशन एक इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो ये मटेरियल यहाँ से ऐसे हुआ ये डिफॉर्म हो गया है, और यहाँ पे भी ये मतलब एक्सपेंड डिफॉर्म ऐसे कुछ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये कह रहे हैं कि जब कई बार हमारा मटेरियल इस सिचुएशन में होता है, या तो वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, या तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, या फिर वो परमानेंट एक्सटेंट हो जाता है व्हेन वी अप्लाई लोड, जब हम लोड अप्लाई करते हैं। लेकिन ये एक बात और बोल रहा है कि कई बार जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, तो वो चीज़ उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो ऐसी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास ये मटेरियल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लगा लो, ये मटेरियल हमारा आयरन का है, अब इस पे हमने इतनी सी आयरन की रोड के साथ हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इतनी सी रोड से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिफॉर्म नहीं होगी। ये रोड है हमारे पास आयरन की, इसके साथ इसको हम हिट करेंगे तो ये इतना हैवी है, मान लो ये 50 केजी का है
और ये हमारा 2 kg या 1 kg का है, 1 या 2 kg का। तो 1 या 2 kg रोड के साथ जब हम 50 kg को हिट करेंगे तो इसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ये डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। ये होता है डिफॉर्मेशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब। और ज़्यादा जानना है तो आप लंबी वीडियो देख लेना, वहाँ से पता लग जाएगा। बट एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये है कि जब हम इस पर हाफ एंड 1.5 kg या 2 kg अप्लाई करेंगे 50 kg पे, तो इसमें कोई डिफॉर्म नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि मान लो ये बहुत हैवी है और इसके साथ हम इस पर मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस हद तक एक्सटेंड हो जाएगी कि वो चीज़ परमानेंट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है मटेरियल की इलास्टिसिटी पे। द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज टर्म्ड एज नॉमिनल स्ट्रेस एंड दिस कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद इलोंगेशन ड्यू टू वर्क हार्डनिंग अंटिल द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया इज रीच्ड एट दिस पॉइंट अ नेक बिगन टू डेवलप। तो ये यहाँ पे बोल रहा है नेक का मतलब होता है कि जो ये नेक यहाँ डेवलप हुई है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेक की पोजीशन थी, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे नेक का मतलब ये है कि एक नेक जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ स्ट्रेस अप्लाई किया, यहाँ किया, तो स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब है कि हमारा इसमें यहाँ पे नेक डेवलप हो चुकी है, मतलब ये नेक है, ये वाली भी नेक है, ये भी नेक है, ये भी नेक है। तो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्पेसिमेन की लेंथ होती है उसमें नेक आ जाती है, नेक डेवलप हो जाती है, और फिर फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। वो किसके साथ होती है? लोकलाइज्ड विद द नेक। तो वो नेक के साथ ही होती है डिफॉर्मेशन, मतलब अभी ये नेक की पोजीशन में आ गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो गई है। तो फिर ये कह रहा है कि जैसे जब ये वाली चीज आ जाती है, मतलब जब हमारी नेक बन जाती है, तो नॉमिनल स्ट्रेस डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे एक ऐसा टाइम आ जाता है कि ये फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर इन द सेंस कि जब ये वाली पॉइंट यानी कि ये वाली कंडीशन जब आ जाती है तो वो चीज ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो ये मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे भी दिखा रखा है कि ये हमारे पास मटेरियल था और ये इलोंगेट होके कुछ ऐसे हो गया। तो यहाँ पे a इंटू एल इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एल नॉट, मतलब कि एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसके साथ कोरस्पोंड कर रहा है? लेंथ के साथ। और ये बस यहाँ पे ये सारा का सारा ये बता रखा है कि क्या होता है जब हमारा, जो मतलब मैंने पीछे जो सारा एक्सप्लेन किया ये वही है बस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स वैसे मेरे पास ये मैंने बना रखे हैं, बट आप कमेंट में बताना, मैं PDF अपलोड कर दूंगी या मतलब फोटोज वगैरह। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बोल देना कि मैम हमें नोट्स चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूंगी नोट्स वगैरह। अदरवाइज बेसिक तो मैंने समझा दिया है, बाकी बच्चों को नोट्स की ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि नोट्स नहीं होते, कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। अगर किसी के पास नोट्स है तो उसको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको इस वीडियो से समझ तो आ जाएगा कि क्या मटेरियल है सारा। और अगर उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद के नोट्स से कवर अप कर लेगा लिखने के लिए, तो और पढ़ने के लिए मैंने पढ़ाई दिया है इस वीडियो में सारा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम एंडिंग दिस वीडियो।